नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे HSSC से रिलेटेड यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और इसमें पर्टिकुलरली PGT से रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हरियाणा के अंदर वैकेंसी निकली हुई हैं और जिनकी लास्ट डेट अभी भी बची हुई है यानी कि 2 मार्च 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। परंतु सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन PGT से रिलेटेड बना हुआ है, बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इस बारे में कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे हैं कि क्या टेंटेटिव डेट पर ही एग्जामिनेशन होगा। और दूसरा जो कन्फ्यूजन बना हुआ है ये है कि CBT एग्जामिनेशन होगा फिर या फिर पेपर पेन मोड होगा, जिसको हम रिटन एग्जामिनेशन कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में आज खुलकर बात करेंगे। परंतु सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत ही इसको सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ में एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा, वो ये करूँगा कि एक दूसरा चैनल भी एक ब्लॉग से रिलेटेड मैंने शुरू किया है जिसका नाम है D-Vlog। उसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी विजिट जरूर करें। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की PGT से रिलेटेड। देखिए, इसकी जो टेंटेटिव डेट आई थी वो आई थी करीब नवंबर के महीने में और उसमें बताया गया था कि पहला जो एग्जाम होगा आपका वो 8 मार्च को होगा। 8, 15, 24 इस प्रकार से कई सारी डेट हैं। तो सबसे पहले उसी टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट के शेड्यूल को देख लेते हैं, उसके बाद में बाकी बातें करेंगे। ये है वो नोटिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल से रिलेटेड है और ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और नवंबर 2019 से मार्च 2020 का ये टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था HSSC ने। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे आपको लेके चलूँ सीधा जहाँ पे हमारा कंसर्न है, यानी कि एडवर्टीजमेंट नंबर 13/2019 है जो PGT से रिलेटेड है। पर्टिकुलरली इसकी जो टेंटेटिव एग्जाम डेट आई थी 8 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च और 29 मार्च 2020 को आई थी कि इन डेट्स को एग्जामिनेशन होना है। परंतु क्या होगा, लगता नहीं है कि होगा और ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि 5 मार्च तो लास्ट डेट है ही, जैसे मैं पहले बात कर रहा था। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन आर लायबल टू अल्टरेशन, यानी कि बदली जा सकती हैं सर्कमस्टांसिस के ऊपर, ये डिपेंड करता है। अब जो एक चीज और है आपको मैं आगे बताऊंगा, परंतु यहाँ पे इस कंसर्न को भी आप देख लें कि एडवर्टीजमेंट नंबर 7, 8 और 9 है, इनका जो टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल था ये 12 जनवरी और 19 जनवरी 2020 को था। परंतु क्या ये एग्जाम हो रही है, नहीं हो रहे। तो ये जनवरी का महीना है जो कि जा चुका है, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि शेड्यूल पहले से ही बिगड़ा हुआ है तो किस प्रकार से ये एग्जामिनेशन अपने टाइम पे हो सकते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि टेंटेटिव का मीनिंग क्या है। देखिए, टेंटेटिव का मीनिंग होता है कि सुविधा अनुसार आपका एग्जामिनेशन हो सकता है इस डेट पे हो, परंतु यदि बोर्ड को लगता है किसी भी प्रकार से उसको आगे पीछे किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो इसी में छिपी हुई है कि आपका एग्जामिनेशन जरूरी नहीं कि इसी डेट को होगा, यह आगे पीछे हो सकता है और हो नहीं सकता है, होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लास्ट डेट क्या है, 2 मार्च 2020, और फीस भरने की लास्ट डेट क्या है, 5 मार्च 2020, और 5 और 8 के बीच में दिन बचते हैं 3, और 3 दिन के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि मान के चलो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, पेपर पेन मोड होगा, तब भी पेपर को छपवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए दिन चाहिए करीब 1 वीक तो मान के चले हैं आप, और 1 वीक में पेपर तैयार नहीं हो पाता है। कई बार तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बताते हैं कि 1 महीना चाहिए इस पूरे मैकेनिज्म के लिए। अब बात करते हैं कि मान के चलो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा तो तब होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके लिए भी पेपर डिजाइन करने में, सारी सुविधा देखने में, उसके लिए भी टाइम जरूर लगता है। इसके बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है जगह पे जहां पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। यदि पेपर पेन मोड होता है तो आपके लिए स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, तो ये सारी जो प्लेसमेंट है ये ढूंढनी पड़ेगी, नोटिस निकालना पड़ेगा, स्कूल और कॉलेज को पहले इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमें इस दिन को आपकी बिल्डिंग्स चाहिए। और यदि होगा आपका CBT तब भी सेंटर्स को अलर्ट करना पड़ेगा और उनसे भी डिमांड रखनी पड़ेगी कि इस दिन को हमें इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जिसके लिए भी टाइम की जरूरत पड़ती है। तो इतना आसान नहीं है कि आपका 2 दिन में 3 दिन में हो जाएगा, ये टाइम लेता है और 1 वीक से लेकर 1 महीना तक इसमें समय लग जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, और अगले पॉइंट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे 7, 8 और 9/2019 जो वैकेंसी हैं, जो ग्राम सचिव की हैं, कैनाल पटवारी की हैं और पटवारी की हैं, इन सब वैकेंसी की जो टेंटेटिव डेट है वो आपने देख ली है, वो थी 12 जनवरी और 19 जनवरी 2020। और क्या ये एग्ज़ाम इस डेट को हो रहा है, नहीं हो रहा।
तो जब यही एग्जाम नहीं हो पा रहे जो कि इनसे पहले शेड्यूल थे, तो किस प्रकार से पीजीटी पॉसिबल है? तो पीजीटी का जो एग्जामिनेशन है वो नहीं होगा इस टेंटेटिव डेट को, यानी कि किसी फर्दर डेट को आगे होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के महीने में तो नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से तैयारी करें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी तैयारी को छोड़ दें, अपनी तैयारी को तो कंटिन्यू रखें, परंतु ये आपके दिमाग में रखें कि मार्च के महीने में आपका टेस्ट नहीं होगा। अब उसके बाद में एक और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, एचएसएससी जो रूटीन वर्क में आपको एडमिट कार्ड के लिए टाइम देता है, वो देता है 7 से लेके 10 दिन तक। और यदि बात करें 5 तारीख की, जब आप पीजीटी के लिए फीस जमा करवाएंगे, उसके बाद कितने दिन बचते हैं 8 तारीख के लिए, यानी बहुत ही कम। परंतु कुछ हमारे दोस्त ये भी कहेंगे कि 7 को नहीं होता तो 15 तारीख को हो सकता है। देखिए, करने को तो हो सकता है, एचएसएससी करवा सकता है, परंतु ऐसा लगता नहीं है। मेरा मानना यह है कि मेरा दिल ये कहता है कि मार्च के महीने में तो नहीं होगा, होगा तो मार्च के बाद ही, और अप्रैल में हो सकता है, मई में हो सकता है, या फिर और भी बहुत लेट ही हो सकता है। और डिपार्टमेंट चाहे या फिर यदि बोर्ड चाहे तो अक्टूबर नवंबर के महीने में भी इसको कंडक्ट करवा सकता है। अब कर लेते हैं दूसरे पॉइंट्स की बात कि क्या ये सीबीटी होगा या फिर रिटन टेस्ट होगा या पेपर पेन बोर्ड होगा। तो मेरे अनुसार मेरा मानना ये है कि रिटन टेस्ट होगा, यानी कि पेपर पेन बोर्ड से होगा, सीबीटी नहीं होगा। देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर यदि बायफर्केट कर दिया जाए तो कैंडिडेट्स को किया भी जा सकता है। जैसे कल रख के एग्जाम के अंदर भी अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो अलग अलग शिफ्ट में किया जा सकता है। परंतु अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं पीजीटी से रिलेटेड, वो सीबीटी के द्वारा नहीं हुए हैं। और इसी में भी मुझे यही लगता है कि ये सीबीटी के द्वारा नहीं होगा, ये पेपर पेन मोड यानी रिटन टेस्ट होगा। अब इसके अंदर कोई लॉजिक की बात करें, लॉजिक तो कोई भी नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर पेन मोड के द्वारा होगा। आपका इसके बारे में क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। और ये था आज का कंटेंट, आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। इसके साथ में हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।